देखी धन्यवाद यो बिहार के लाला बिहार भी मुजफ्फरपुर के सर्जरी पे आज बहुत बढ़िया लागल। आज ही अपना होटल में आज उपस्थित बाड़ी जा और आज भोला बाबा इंटरटेनमेंट के माध्यम से आप व्यक्तित्व के बहुत अच्छे हैं, आपको विशेष प्रणाम है। लालू जी के स्टाइल में बोल दीजिए, बिहार के लोगों को मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जहां लीची के मामला में प्रसिद्ध है वही ब्लू डायमंड होटल है जो बिहार का नंबर वन होटल है। एक दिन में 500 गाड़ियां लगेगी फिर भी ब्लू डायमंड होटल का जो सेवा है आपके लिए उपस्थित है। ब्लू डायमंड होटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेकार यहाँ भोला बाबा इंटरटेनमेंट इवेंट शो के और चोटी वाले जो बाबा हैं व्यक्तित्व के धनी हैं, आज यहाँ मुस्कुराता है तो दिल गदगद हो जाता है। बहुत बहुत प्रणाम। सर नीतीश जी बोलते क्या कहना चाहेंगे साहब, क्या बिहार में आपकी सरकार बन पाएगी? नीतीश जी जब चलते हैं तो यह हमारे यहाँ बोलने से पहले घड़ी देखते हैं, फिर नाक खुजलाते हैं, फिर बोलते हैं। ये पत्रकार महोदय, अगर मैंने बिहार में काम किया होगा, बिहार का विकास किया होगा तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो जनता को तय करना चाहिए, ये तो मुजफ्फरपुर के लोगों को सोचना चाहिए। हम करप्शन से समझौता नहीं करते, झूमलेबाजी नहीं करते। बिहार नशा मुक्त है तो नशा मुक्त रहेगा। ये तो ब्लू डायमंड होटल का ये व्यवस्था है ना, साफ सुथरा है, स्वागत करता हूँ। इस पर कोई चर्चा करे तो मैं विकास की बात करूंगा। ये तो भोला बाबा इंटरटेनमेंट का ये बैनर। अमृता जी बहुत बहुत स्वागत। आर्यन मुस्कुरा बच्चे का फोटो भी आप लगाते हैं ना? जी की पिक्चर, प्रवेश लाल यादव जी की अभी पिक्चर, साजन अभी चाचू की दुल्हनिया की जो शूटिंग चल रही है, अहम भूमिका है। और इतना इंटेलिजेंट ये बालक है कि एक बार अगर स्क्रिप्ट पढ़ लेता है तो दोबारा हम लोग को पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये रट कर सुना देता है। ये क्वालिटी है। कहाँ घर हुआ बाबू? सर को डायलॉग सुनाइए। गो दिनेश जी, सर दिनेश सर के साथ जो आपका डायलॉग है सुनाइए। खड़ा हो जाइए। अरे तू स्कूल से आ गई ले? हाँ हम स्कूल से तो आ गई बल्ली, लेकिन हम दोबारा स्कूल कबो ना जाएंगे। वो कहे अच्छा अब कैसे बोला तारा जैसे तारा के कुछ पते नहीं थे। बोली दादा जी से अभी हम फोन खोली तार। अरे बेटा क्या भाई, अच्छा तारा गैया के बाद बेटा हमने कतरा मुर्गा बना के मर ले बिया, तारा के कुछ पता भी बा? अरे बेटा कबो कबो गेहूं के साथ धुन पीसे पिसा जाला, केकरा संगे का पिसाता नु, हमरा ओकरा से कोनो मतलब देखे। हम स्कूल में पढ़े खाती जानी पिटाए खाती ना। मान लो सर के होटल में कोई आके बोले ये मेरा जमीन है तो उसमें कोई हड़काना होगा तो कैसे हड़काओगे? देखिए आप लोग के बकर बकर करने से ना ये जो जमीन है आप लोगों की नहीं होगी, जमीन उसी की होगी जिसके पास जमीन के कागजात होंगे, और वो कागजात मेरे पास है, तो जमीन मेरी ही होगी। और हाँ मुखिया जी आपसे शाम को मिलते हैं, एकदम आपकी बढ़िया से खातिरदारी होगी। तब तक के लिए चलते हैं, राम राम। एक लाइन पवन जी के स्टाइल में, पावर स्टार के स्टाइल में। हर पाकिस्तानी कहता है कि जला देंगे, भाग तेरी माँ का, कि जलते हुए दियो को परवाने क्या बुझाएंगे, जलते हुए दियो को परवाने क्या बुझाएंगे, कि जो मुर्दों को नहीं जला सके वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा। जिंदगी है साहब, जिंदगी जान से जुनून तक जाएगा। जान से जुनून तक जाएगा। गाड़ी पे तो चौराहे पे भाई साहब आए, गाड़ी लेकर पूछे कहाँ ये रास्ता कहाँ जाएगा। मैंने कलाकार आदमी सीधा कहा, मुझे पता है। मैंने कहा साहब ये जिंदगी है, जिंदगी जान से जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीना खून तक जाएगा, पैसे की ज्यादा जरूरत है साहब तो बगल में हाईवे है पकड़ लो, ये गाँव का रास्ता है सुकून तक जाएगा।